नेताजी ये एक दो बहुत जरूरी काम लेकर आया था। काम? क्या काम? वो जो आपने बच्चों की नौकरी के बारे में कहा था ना, और वो जो सड़क है वो भी अब तक नहीं बनी है। गांव वाले भी आए थे शिकायत लेकर। वो जो अस्पताल में डॉक्टर हैं और जो स्कूल में टीचर्स हैं, उनका बंदोबस्त अब तक हो नहीं पाया है। और नेताजी वो जो रुक जा ये बता, कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी है? हाँ, सुना तो बहुत है फिल्म के बारे में, अभी देख नहीं पाया, बाद में जरूर देखूंगा। बाद में नहीं, अभी जा, पहले फिल्म देख के आ। एक काम करो भाई, इसको टिकट के पैसे दो, जा अपने पूरे परिवार के साथ और अपने दोस्तों को भी लेके जा, सबको फिल्म दिखा के ला पहले। लेकिन नेताजी एक बार ये जरूरी काम था। काम नहीं, फिल्म जरूरी है, जा फिल्म देख के आ। नेताजी फिल्म देखाया, बहुत इमोशनल मूवी थी। सच में बहुत बुरा हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, जानकर बहुत दुख हुआ। सिर्फ दुख हुआ, गुस्सा नहीं आया? आया, बहुत गुस्सा आया। किस पर? सरकार पर। सरकार पर? अरे हाँ, सरकार पर। इतना सब कुछ होता रहा, ये सरकार कर क्या रही थी? एक तो मैं कांग्रेस का पहले से ही विरोधी था, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद तो है ना, मुझे कांग्रेस से नफरत हो गई। लोग मरते रहे और कांग्रेस की सरकार चूड़ियां पहनकर बैठी रही। अबे उस टाइम कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो? सेंटर में जनता दल की गठबंधन की सरकार थी। हाँ तो गठबंधन तो कांग्रेस के साथ ही होगा ना? नहीं, गठबंधन भी भाजपा के साथ था। लेकिन वो तो सेंटर में होगी, स्टेट में तो कांग्रेस ही होगी। नहीं, उस टाइम कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू था। अच्छा तो वो राज्यपाल पक्का कांग्रेसी होगा। वही तो मैं कहूं, ऐसा काम कांग्रेसी ही करवा सकता है। अबे नहीं, वो राज्यपाल भी अपना ही आदमी था। मतलब इसमें कांग्रेस का दोष नहीं था? अरे सारा ही दोष कांग्रेस का है। ये कश्मीर की समस्या, ये मुसलमान, ये आतंकवाद, ये सारा रायता कांग्रेस का ही तो फैलाया हुआ है। 30 साल से इन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं दिला पाई ये कांग्रेस। अरे सर, वो 32 साल में 14-15 साल बीजेपी की भी सरकार रही है, पहले अटल जी, अब मोदी जी। लेकिन चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम कश्मीरी पंडितों को उनके घर पहुंचाने का काम इन्हीं 14-15 साल में ही तो हुआ है। अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो एक भी परिवार घाटी में वापस नहीं जा पाता। अब देखो 370 भी खत्म हो गई और कश्मीरी पंडित भी वापस अपने घरों में पहुंच गए हैं सुरक्षित। यही है बीजेपी का कमाल। नहीं नहीं, कश्मीरी पंडित अभी तक कश्मीर वापस नहीं गए। कश्मीर वापस नहीं गए तो मतलब हम लोगों ने किया क्या है उनके लिए? अरे हमने उनको इंसाफ दिलवाया। बता, ये मूवी किसकी सरकार में बनी? हाँ बिल्कुल, मतलब अगर ये मूवी पहले बन गई होती तो उनको इंसाफ बहुत पहले मिल गया होता। हाँ बिल्कुल। तो चलिए अब मूवी बन गई, सबने देख भी ली, तो क्या अब हम वो नौकरी, सड़क, अस्पताल, स्कूल, इनके बारे में बात कर सकते हैं?